हेलो एवरीवन, बहुत सी लेडीजों का यह क्वेश्चन आ रहा है एमटीपी किट के ऊपर जो वीडियोस हैं उन पे ये कमेंट आ रहा है कि मैडम हमने दो टैबलेट खा ली हैं, उसके बाद हमारी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, तो बाकी की दो टैबलेट और बच गई हैं, क्या उनको भी लेना ज़रूरी है या फिर हाँ ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है तो हमें उन टैबलेटों को नहीं लेना चाहिए। इस तरह के बहुत से मैसेज आ रहे हैं या फिर कई लेडीजें ये पूछ रही हैं कि हमने जो पहली टैबलेट है वो खा ली, उसके बाद ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है तो बाकी की चार टैबलेट खानी होती हैं या नहीं खानी होती हैं। तो इस बारे में डिटेल में जानेंगे कौन सी टैबलेट कितनी ज़रूरी होती है, क्या सभी टैबलेटों को लेना ज़रूरी होता है या फिर नहीं लेना होता है। तो वीडियो शुरू करें इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी हिट करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, आपसे वीडियो मिस ना हो, क्योंकि इसी तरह के हेल्पफुल टॉपिक हम हमेशा अपने चैनल पर लेके आते हैं। तो चलिए टॉपिक के ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए, जैसे कि एमटीपी किट में 5 टैबलेट होती हैं, सभी जानते हैं। फर्स्ट टैबलेट जो मिफीफिस्टोन की होती है, उसका काम होता है हमारे जो प्रेगनेंसी हार्मोन है उसको रोकना, ताकि आगे प्रेगनेंसी कंटिन्यू ना हो पाए, आगे ग्रो ना हो पाए, उसमें बाधा उत्पन्न करने का काम होता है मिफीफिस्टोन टैबलेट का, जो फर्स्ट टैबलेट होती हैं। उसके बाद बारी आती है बाकी की चार टैबलेट की। पहले आपको दो टैबलेट लेनी होती हैं, कई डॉक्टर चार टैबलेट इकट्ठी लेने के लिए भी कहते हैं, तो जैसे डॉक्टर बताते हैं वैसे आपको लेनी है। तो फर्स्ट अगर आपने दो टैबलेट ली, उसके बाद आपकी ब्लीडिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है, तो क्या आपको अब दो टैबलेट जो बची हैं वो लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? तो बिल्कुल आपको दो टैबलेट हैं जो वो भी लेनी चाहिए, यानी कि पूरा किट आपको लेना ही लेना है। भले ही आपको फर्स्ट टैबलेट लेने के बाद ब्लीडिंग हो गई हो या फिर सेकेंड की दो टैबलेट लेने के बाद ब्लीडिंग हो गई हो, आपको रुकना नहीं है। आपको टैबलेट जो जिस समय के अकॉर्डिंग डॉक्टर ने आपको बोला है उतने समय के अंतराल पे वो टैबलेट लेनी है। देखिए, फर्स्ट टैबलेट का काम होता है, जैसे मैंने बताया, आपका जो प्रेगनेंसी हार्मोन है उसको रोकना, आगे ग्रो ना होने देना, क्योंकि उन हार्मोन का काम होता है आपकी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू बनाए रखना, जिससे कि बच्चा अच्छे से ग्रो हो सके। तो उस पर बाधा उत्पन्न करती है ये टैबलेट, ताकि बच्चा आगे ग्रो नहीं हो पाता, वहीं पे रुक जाता है। बारी आती है बाकी की चार टैबलेट की, जिसे मिसोप्रिस्टोन कहा जाता है। उनका काम होता है आपके जो बच्चेदानी है उसमें डायलेटेशन पैदा करना, डायलेट करना आपकी बच्चेदानी को, ताकि अच्छे से बच्चेदानी का मुंह खुल सके और जो भी प्रोडक्ट अंदर जमा है वो बाहर स्पेल आउट हो सके, बाहर निकल सके। तो इसके साथ आपको क्रैम्पिंग भी हो सकती है और इसमें दर्द भी आपको होगा, क्योंकि बच्चेदानी का मुंह खुल रहा है और जो भी प्रोडक्ट अंदर है वो बाहर आ रहा है, आपको क्लॉट जाएंगे, ब्लड ब्लीडिंग आपको होगी, शुरुआत के एक दो दिन में काफ़ी हैवी ब्लीडिंग आपको देखने को मिल सकती है। तो वहाँ पे आपको क्रैम्पिंग होना, यानी कि दर्द होना निचले हिस्से में, पेट के हिस्से में दर्द होना कॉमन सी बात है। तो आपको पूरी 5 की 5 टैबलेट ज़रूर लेनी है, तभी आपका अबॉर्शन जो है वो कंप्लीट हो पाएगा। ऐसा नहीं करना है कि आपने पहली टैबलेट ली और आपकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है तो बाकी की चार टैबलेट आपको नहीं लेनी है। बाकी की जो चार टैबलेट होती हैं उनका भी अलग काम होता है, जैसे मैंने बताया। अगर आप इनकम्प्लीट जो है टैबलेट अच्छे से पूरा नहीं लेंगी, 5 की 5 टैबलेट नहीं होंगी, तो आपका यहाँ पे अबॉर्शन वो है, आपका जो अबॉर्शन है वो कंप्लीट नहीं होगा, आपका अबॉर्शन इनकम्प्लीट रह जाएगा, कुछ ना कुछ पार्ट अंदर रह जाएंगे, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आपकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, या फिर कुछ केस में क्या होता है कि शुरुआत में ब्लीडिंग हो जाती है कुछ घंटे, फिर उसके बाद ब्लीडिंग ही नहीं होती है। तो ये सब बताता है कि आपका जो अबॉर्शन है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। इसलिए जिस तरीके से डॉक्टर ने आपको टैबलेट लेने के लिए बोली है, जितने समय के अंतराल पे बोली है, जितनी टैबलेट बोली है उतना आपको पूरा लेना है, आपको बीच में रोकना नहीं है, आपको पूरा किट ख़त्म करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो ने आपकी मदद की होगी। लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए। और भी कोई सवाल है आपके मन में तो नीचे हमें कमेंट में लिखिए। हम मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।